करता है, बट जॉनाथन का एक और ग्रेनेड गया जो प्लेयर नॉट आउट से फिनिश किया। बट टीम एक्स पार्क वर्सेस गॉडलाइक, इनकी भी फाइट चलती हुई आप देखे, चार फिनिशेस इस गॉडलाइक के पास है। जी गॉड सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। स्काउट ऊपर है जो वो पैराडॉक्स को आप देखे, सेंसे को भी उन्होंने ग्रेनेड से डाउन किया। और टीम सोल का एलिमिनेशन, टीम CUX RIP, मीजो का भी हमें देखने को मिल जाएगा। जॉनाथन अभी के खिलाड़ियों को यहां पर स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, एक और प्लेयर को उन्होंने स्पॉट करके नॉक किया इजीली। ओके यहां पर जॉनाथन कमिंग अप विद दैट पैन ऑन TSM ब्लेज ओपी। एंड इसी के साथ TSM की बात करें, वो भी अपने एकमात्र खिलाड़ी के साथ यहां पर सर्वाइव। जॉनाथन ने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि बहुत सारे पैंस आने वाले हैं आज के दिन पे आंकी। और फिलहाल के लिए गॉडलाइक की बात करी जाए, आप देखे किस तरीके से निंजा जॉर्ड के पास आए, व्हीकल से उड़ाया उन्होंने, बट जॉनाथन पहले ही शॉट्स कनेक्ट कर चुके थे और इसी के साथ उनको फिनिश किया गया था। चलिए कम से कम उस प्लेयर को उन्होंने पैन नहीं किया, शैडो को उनको भी डाउन किया। मुझे लगता है कि TSM का एक आखिरी जो प्लेयर है वही यहाँ पे सर्वाइव कर रहा होगा, बाकी के प्लेयर खत्म हो चुके। बट टीम जॉनाथन का एक और ग्रेनेड गया जो प्लेयर नॉट आउट से फिनिश किया। बट टीम गॉडलाइक, इनकी भी फाइट चलती हुई आप देखे, चार फिनिशेस इस गॉडलाइक के पास है। जी गॉड सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। स्काउट ऊपर है जो वो पैराडॉक्स को आप देखे, सेंसे को भी उन्होंने ग्रेनेड से डाउन किया। और इमोर्टल टॉप डॉग वो वहां क्या कर रहे हैं, ग्रेनेड की बारिश है होती हुई। एक्सो का मुझे लगता है एक आखिरी प्लेयर जो वहां पे सर्वाइव कर रहा होगा, बट जी गॉड वो अकेले यहां पे फंस गए, मोस्ट प्रोबेबली डाउन होंगे, फिनिश किया जाएगा। बट पंक खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ एक्सो ग्रेनेड मात्र से ही एलिमिनेट हो चुकी है। बिल्कुल, साथ ही साथ यहाँ पे स्काउट ओपी ने क्लच गॉड को भी डाउन जरूर से किया। तो अब यहाँ पर वो जो फाइट हमें देखने को मिल रही है, लेजेंड्स वर्सेस गॉड्स, लेट्स सी कि इस फाइट में कौन सी टीम जो है वो यहाँ पर जीतती हुई नजर आती है। अल्ट्रॉन को भी डाउन किया जाएगा, बढ़िया ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ, रिवाइवल इजिली हो जाएगा। लेकिन आप देखिए मात्र 33 सेकंड का टाइम, टीम एरिक भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, वेक्स को यहाँ पर आना था और उन्हें आके स्पॉट करके गिल को डाउन भी किया। टीम एक्सपार्क के पास अब मात्र एक खिलाड़ी बचेगा, रिवाइवल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्टार्ट होती नजर आएगी। और ये सभी टीम जो यहाँ पर हमें देखने को मिले जोन के बाहर आएगी, कुछ स्पॉट करके डाउन करेंगे। स्काउट अल्ट्रॉन के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, वो डाउन होते नजर आएंगे। टीम एरिक के बाकी के खिलाड़ी यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं। एंड देखते ही देखते अगर हम बात करें टीम एक्सपार्क की, उनके पास अभी के लिए एक खिलाड़ी बचता है जिनको रिवाइव देने के लिए वहां पर जाया जा सकता है। बट स्काईलाइट गेमिंग की बात करें, वो भी यहां पर क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। टीम एनिग्मा, उनको पता है कि वहां पर स्मोक के अंदर कुछ प्लेयर जरूर से मौजूद हो सकते हैं। स्काईलाइट गेमिंग के पुकार गमला बॉय को ग्रेनेड से एक्वानॉक सारंग को डाउन करेंगे, स्काउट की साइड से जाएगा वो ग्रेनेड, लेकिन कनेक्शन नहीं बनेगा, वहां पर व्हीकल बर्स्ट होता है। स्काउट इज नाउ द ओनली मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम एक्सपार्क, एक ग्रेनेड एन एलिमिनेशन, टीम एक्सपार्क का भी देखने को मिल सकता है। और वो ग्रेनेड आया भी अभी की साइड से, रॉक्सा उनको डैमेज पड़ा बट फिनिश नहीं कर पाए, नॉक नहीं कर पाए, बट ये वाला ग्रेनेड कनेक्ट होगा। जॉनाथन आज उन्होंने ग्रेनेड्स की बारिश करी है और अब गॉडलाइक का वो जो हम क्लासिक रश देखते हैं वो हमें देखने को मिलने वाला है। लास्ट दो प्लेयर बचे हुए हैं आरई स्पोर्ट्स के, जॉनाथन रॉकस्टार को फिनिश करेंगे, एक और फिनिश उनके पास, टोटल चार हो चुके हैं। बट पूजा पुकार के द्वारा वो डाउन, कैनारी और साथ में मुझे लगता है हीरो, दो प्लेयर बचेंगे आरई स्पोर्ट्स के। बिल्कुल, टीम गॉडलाइक की बात करें आप देखिए अभी भी वो जोन के बिल्कुल एज पर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जादू को वापस स्पॉट करके डाउन करेंगे नियो। और अब कैनरी जो है वो आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग है, एक 1v2 का सिनेरियो, एक ग्रेड अगर ठिकाने पे जाएगा तो यहां पर अभी भी जो टेबल्स है वो टर्न होती नजर आ सकती है। कैनरी कई बार इस प्लेयर ने क्लच करके दिखाया, लेकिन अभी के लिए क्लच गॉड आएंगे, ग्रेनेड उनके हाथ में मौजूद है, वो ग्रेनेड बिल्कुल उनके करीब जाके बर्स्ट होगा, बट क्लच गॉड स्टिल सर्वाइविंग। कैनरी जो एक और ग्रेनेड करने के लिए जाएंगे, क्लच गॉड अभी के लिए थोड़ा पीछे से जाते हुए नजर आ सकते हैं। नियो को मीनवाइल एक इजी रिवाइवल यहां पर जरूर से मिल जाएगा, वापस थ्री मैन स्टैंडिंग टीम गॉडलाइक। लेकिन आप देखिए टीम टैक्टिकल केड यहां पर आएंगे, गमला बॉय को डाउन किया, टीम टैक्टिकल के हिट पर बहुत ओपन में वो आ रहे थे, स्पॉट किया गया उनको एंड इंस्टेंटली किया जाएगा डाउन। टीम टैक्टिकल एक बढ़िया गेम पे जरूर से दिखा रहे हैं, आप देखिए चारों खिलाड़ियों के जो प्लेयर्स है उसके सामने यहां पर चुका है, एक खिलाड़ी को नॉक भी किया, आप देखिए जॉनसन को कितना ज्यादा लो ऑन एचपी छोड़ा है, बट अगेन यहां पर जो प्लेयर नॉक्ड है उनको रिवाइव मिल जाएगा। गॉडलाइक जोन के अंदर टीम टैक्टिकल, तीन प्लेयर्स उनके स्टैंडिंग एंड रेवरेंट, जिनको चाहिए था ये गेम अच्छा होना, टेबल टर्निंग जो गेम है वो जरूर से हो सकता है रेवरेंट के, बहुत ज्यादा टेबल टर्न होने वाले हैं। टैक्टिकल को आप देखे, रेवरेंट को आप देखे, बहुत ज्यादा टाइम तक वो सब सर्वाइव करके गए हैं, खासकर रेवरेंट एंड टैक्टिकल, इस मैच के बाद ही वो हमें टॉप 16 में देखने को मिलने वाले हैं। बट जॉनाथन वो जा रहे हैं MVP के लिए, उनको बनना है MVP इस मैच में,
पांच फिनिशेस उन्होंने निकाले। आप देखें किस तरीके से जोनाथन आगे जा रहे थे, क्लच गॉड पीछे थे। जोनाथन को वो जो एमवीपी का खिताब है वो मांगता ही मांगता है, चाहिए उन्हें वो, और वो छीनने के लिए आगे सबसे ज्यादा भागते हुए दिखाई देंगे जोनाथन को। आप देखें सबसे आगे वही प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, जोनाथन छठा फिनिश उनके नाम बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है सामने। क्लच गॉड उन्होंने भी जो प्लेयर को नॉक करा था मोस्ट प्रोबब्ली वो रिवाइव हो चुके हैं, अपने आप को बूस्ट करेंगे, बट टैक्टिकल केड वो भी पीछे मौजूद रहेंगे। रेवनेंट तीन प्लेयर के साथ है, बट आप सर्कल देखें टैक्टिकल और गॉडलाइक के पास है, क्लच यहां पे डाउन है, जोनाथन के हाथों फिनिश किया जाएगा, छठा फिनिश जोनाथन के नाम। बिल्कुल, लेकिन यहां पर हिटमैन के साइड से एक बढ़िया स्प्रे भी आएगा, क्लच गॉड यहां पर डाउन होते नजर आ रहे हैं। नियो जो है वो अपने ईस्टर्न साइड भी देखेंगे, बिकॉज उनको पता है कि उस रिज के उस पार जहां पर बहुत सारे स्मोक्स है वहां पर एक टीम जरूर से हो सकती है। ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं यहां पर स्पैम टीम टैक्टिकल के द्वारा, अभी भी मैं कहूंगा टैक्टिकल यहां पर प्रबल दावेदार जरूर से रह सकते हैं, लेकिन हाइट का जो एडवांटेज है वो टीम गॉडलाइक के पास हमें देखने को मिलता है। देखते टीम रेवनेंट यहां पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले। आप देखिए जोनाथन को उन्होंने बढ़िया एक वो कवर दे रखा है, एक हल्का सा ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने वहां पर क्रिएट करा है। नियो वो यहां पर आगे की तरफ जा रहे हैं, सामने तीन फिनिशेस उनके जरूर से रह सकते हैं, लेट्स सी कि वो ग्रैब कर पाते नहीं, लेकिन उनको सामने टैक्टिकल के किट से भी बचना पड़ेगा क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ी एंगल हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात वो सर्कल के अंदर नहीं है, ये सब छोड़ के उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा, उस चीज का उन्होंने निर्णय किया और अब निकलते हुए वो दिखाई देंगे। सामने टैक्टिकल किट है बट वहां पे आवाज आई होगी, यस ऑस्टिन बॉटेक्स की वहां पे आवाज आ गई है, नियो की कोई तो वहां पे है, बट क्लच गॉड को आप देखें उनको डाउन किया गया, टॉप टॉक वो नीचे मौजूद थे बट स्प्रे वहां पे थोड़ा सा मिस जरूर किया। बट जोनाथन की बात करी जाए मोस्ट प्रोबब्ली आखिरी प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, वन वी वन का सिचुएशन होता हुआ ऑन को जोनाथन वहां पे उन्होंने एडीएस नहीं खोला, ऑन को आते हुए इनको आते हुए उन्होंने डाउन किया।